मेहता का उल्टा चश्मा। अरे मैंने कोई आइडिया नहीं लगाया था जेठालाल, वो अपने आप शुरू हो गए थे। अपने आप? हाँ, क्या हुआ? अच्छा बच्चों, मैंने जो अभी सिखाया है उसका रिवीजन करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ओके सर। हाँ पर से गाइए आप। सॉरी सर। क्या चाल रहा है? मैंने बोला था मैं 2 मिनट में आता हूँ, मैंने जो सीखा उसकी रिवीजन करो, और तुम लोग गाना गा रहे हो? हाँ? किसने शुरुआत की? मैंने पूछा गाने की शुरुआत किसने की? सर ईशान ने। ईशान, रिवीजन करने के बजाय तुमने गाना गाने की शुरुआत कर दी? नहीं नहीं सर, मैंने गाना गाना शुरू नहीं किया सर, एक्चुअली मेरी बहन की ना म्यूजिक क्लासेस चल रही है उस रूम में। अरे देवा, किसी की ऑनलाइन डांस क्लास चालू है, किसी का ऑनलाइन म्यूजिक क्लास चालू है, सब मेरे क्लास के वक्त ही चालू होता है। अरे उसको बोलो तुम्हारे साथ साथ बाकी सबको भी डिस्टर्ब हो रहा है। सर वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती है सर, आप ही उसे समझाओ ना, मैं उसे बुलाता हूँ। रिया, रिया। ए, 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 रुको भाई, अभी मत बुलाओ, अभी पढ़ने पे ध्यान दो। सर अगर आपको हौसे गाना रहता तो आप कौन सा गाना गाते? सर एक बार हौसे गाना गाइए ना सर, प्लीज ना सर। अरे चुप। क्या भिड़े, बच्चों को चुप कराने के बजाय तुम्हें भी गाना गाना चाहिए था। ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई छोड़ के गाना गाना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई छोड़ के गाना गाना चाहिए था, पढ़ाई के साथ गाना गाना चाहिए। तू भी गाना गाता तो तेरा भी मन हल्का हो जाता। हाँ, अभी देख तू एकदम टेंशन में है ना, एक काम कर, थोड़ा गाना गुनगुना, देख तेरा भी मूड एकदम हल्का फुल्का हो जाएगा। बिल्कुल, गाने से तनाव दूर होता है। हंसे गाओ, हंसे। क्यों हंसे? अरे भाई इसने बताया ना, मैंने बच्चे ने क्लास में कहा था सर हंसे गाओ, हंसे। अहो वाह वाह वाह, बता सा वाह, क्या बात है तारा, देखा कितना मजा आ गया। देखो बेटे, देखो हमने कुछ तय नहीं किया था कि हम गाने गाएंगे, लेकिन देखो बढ़िया गाने गए तो कितना बढ़िया वातावरण हो गया, मजा आ गया, एकदम हल्का फुल्का वातावरण हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ वो तो है, मैं तो कहता हूँ भिड़े तो रोज तेरे ऑनलाइन क्लास में एक 5-10 मिनट का ऐसा अंताक्षरी का कार्यक्रम रख, फिर देख सब बच्चे कितना फ्रेश होके मन लगा के पढ़ाई करते। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता जेठालाल, अगर मैंने ऐसा किया ना तो बच्चे पढ़ाई करेंगे ही नहीं, अंताक्षरी खेलते रहेंगे। तू एक बार कोशिश करके तो देख। अरे मैं मेरे स्टूडेंट्स को जानता हूँ ना जेठाला, कभी कभी बच्चों का ध्यान मुश्किल से पढ़ाई में लगता भी है ना तो उनके पेरेंट्स आ जाते हैं डिस्टर्ब करने के। एक बार पता है क्या हुआ, मेरा क्लास चालू था तो भेद की मम्मी आके उसे बोलती है कि बेटा जरा देखो तो मेरा मोबाइल हैंग हो गया है, जरा चालू करके दो ना, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी। चालू क्लास में उनको शॉपिंग करनी थी, बोलो। अब शॉपिंग का मन सबको होता तो है, पर बच्चों को क्लास के टाइम पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है। लेकिन ये बात उनको समझनी चाहिए ना अंजलि भाभी, उनको क्या लगता है कि अभी बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए ना तो हमारी आजादी छिन गई है। मेरे हिसाब से बच्चों की पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी मिलती ही नहीं है। कुछ कुछ बच्चे तो घूमते घूमते, मतलब कार में घूमते घूमते ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं। कभी कभी जब इवनिंग को क्लास होता है ना तो कुछ कुछ बच्चे तो रेस्टोरेंट से खाना खाते खाते क्लास ज्वाइन करते हैं, और हमेशा कोई ना कोई कारण लेके कैमरा ऑफ कर ही देते। ऐसा थोड़ी होता है, घूमते फिरते कोई पढ़ सकता है क्या? ये बात आपको समझ में आ रही है अंजलि भाभी, लेकिन पेरेंट्स को ये बात समझ में आती ही नहीं है। कभी कभी पेरेंट्स इतनी नासमझी की बातें करते हैं ना, क्या बताऊं। मेरा एक स्टूडेंट है मानव, उसको क्लास में हमेशा सोने की आदत है। अच्छा, उसकी मम्मी पता है क्या बोलती है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, क्या बात है आज सब लोग टाइम पे आ गए। चलो अभी शुरुआत करें। यस सर। हाँ तो मुझे बताओ कि आज कौन सा सब्जेक्ट सीखने वाले हम लोग? फिजिक्स सर, फिजिक्स। अरे वाह नैतिक, तुम्हें याद है यार? सर मैं आपकी हर बात हमेशा याद रखता हूँ। क्या बात। अरे रहने नैतिक, कल तो तू होमवर्क करना भूल गया था। और नहीं तो क्या। बस बस बस, चलो अभी पेज नंबर 45 निकालो। ओके सर।
सर मेरे बुक में पेज 45 ही नहीं है। क्या है ही नहीं, ठीक से देखो चिपक गया होगा पेज। हाँ सर यू आर जीनियस। जीनियस क्या, टोमला तो जीनियस कॉमन सेंस ही है। चलो अभी शुरुआत करें। यस सर। यस सर। सर मानो फिर से सो रहा है। मानुसे सर इसका नाम ना स्लीपिंग किंग ही रख देना चाहिए। मानसी तुम चुप रहो, मैं हूँ ना मानव। मानव मानव गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तुम्हारे अभी भी मॉर्निंग ही चल रही है। शे अरे क्या चल क्या रहा है मानो। हाँ जब देखो तब सोते रहते हो तुम। सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी। अरे क्या सॉरी, ये तुम्हारा रोज का हो गया मानो। अभी एक काम करो, तुम्हारी मम्मी को बोला मुझे बात करनी है अभी। सर मैं जागने की कोशिश करूंगा। जागने की कोशिश? दोपहर के क्लास में जागने की कोशिश? आधी रात को क्लास नहीं ले रहे हम लोग, जागने की कोशिश बने। तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। सर सॉरी सर, प्लीज प्लीज सॉरी। तुम बुलाते हो कि मैं बुलाऊं? मम्मी मानो की मम्मी। सर सॉरी सर। जी जी सर। अरे आपका बेटा जब देखो तब मोस्ट ऑफ द टाइम सोता ही रहता है, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं रहता उसका। वो क्या है ना सर, अभी स्कूल्स भी ऑनलाइन ही हो गए तो सुबह उठने की आदत छूट सी गई है। अरे तो स्कूल हो या ना हो मानव, सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। सर जल्दी कहाँ से उठेगा, रात भर गेम खेलता रहता है। मैं क्या करूँ सर, इसको समझाना मेरे बस में नहीं है। अब आप ही कुछ उपाय बताइए ना। मैं क्या उपाय बताऊँ इसमें, आप उसे सोने का टाइम ऐसा मैनेज कीजिए जिससे वो पढ़ाई के टाइम फ्रेश रहे। सर मैं भी ट्राई करूंगी, पर आप भी कोई इंटरेस्टिंग सा तरीका ढूंढिए ना बच्चों को पढ़ाने का, जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए पढ़ने में। सॉरी टू से दिस मैडम, लेकिन आज तक किसी ने भी मेरे पढ़ाने के तरीके पे सवाल नहीं उठाया है। और मुझे सलाह देने के बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि आपका बेटा हमेशा नींद में क्यों रहता है। आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका बेटा समय पे सोता है कि नहीं सोता है। आप मुझे ही सुना रहे हो। सर मैं आपको सुना नहीं रही हूँ। सॉरी सर अगर आपको बुरा लगा हो तो। सर मैं जाऊं, मुझे थोड़ा किचन में काम है। हाँ चलो अभी सबने पेज नंबर 45 निकाला ना। यस सर। हाँ फिर से सो गया मानव। मानव गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये देवा बिगड़े इसमें बच्चे भी क्या करें भाई, बच्चों का रूटीन बिगड़ गया है। तो बिगड़े गए ना मेहता साहब, क्योंकि माँ बाप का ध्यान ही नहीं है बच्चों पे। अगर मैं कुछ बोलने जाऊँ तो मुझे ही सिखाते हैं। अगर ऐसे में मार्क्स कम आएंगे तो किसका गला पकड़ेंगे, मेरा ही ना। चलो कभी कभी माँ बाप अपने काम में बिजी होते हैं, उनका ध्यान नहीं होता है। ये बच्चे भी छोटे नहीं रहे ना, बड़े हो गए, उनको समझना चाहिए ना कि पढ़ाई को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। मत बोलो, गेट आउट कर दे अपने क्लास में से। अगर मैंने ऐसा किया ना जेठालाल, तो सबसे पहले तुम्हारे दोस्त के बेटे को एक गेट आउट करना पड़ेगा। कौन से दोस्त का बेटा? विनोद भाई का बेटा। कौन विनोद भाई? वो है हमारे जान पहचान के व्यापारी, उनको मैंने ही भेड़े का नंबर दिया था। अरे क्यों दिया मेरा नंबर जेठालाल? क्यों काय जाला? अरे क्या बताओ, उनका बेटा रोहन है ना, उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं होता, हमेशा मुझे उल्लू बनाने की कोशिश करता रहता है। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्लियरली? सबकी रिवीजन बराबर से हो गई है? Yes, sir. तो अभी मैं जो भी सवाल करूं उसका जवाब दोगे ना? अरे कहां गया सबका यस सर अभी? हां शैली सर वी विल ट्राई। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ रोहन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? रोहन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ सर एक मिनट सर। रोहन मुझे बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है सर। रोहन झूठ मत बोलो, दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है। नीचे किताब में आंसर ढूंढ रहे हो ना? नहीं सर। रोहन तुम्हारे हाथ में क्या है दिखाओ मुझे। सर कुछ नहीं, देखो ना। दूसरा हाथ भी ऊपर करो। रोहन मेरा मोबाइल तुम्हारे पास है, कब से मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरा मोबाइल दो मुझे। अच्छा मतलब अपने पापा का मोबाइल लेके उसमें आंसर ढूंढ रहे थे तुम? यस सर। नो सर। रोहन एकदम ऐसे आंसर मत ढूंढना, पकड़ा जाएगा। रोहन तुम्हारे पापा को बुलाओ। सॉरी सर सॉरी सर। पापा को बुलाओ। विनोद भाई, ओ विनोद भाई। हाँ जी बेटे साहब नमस्ते। अरे क्या है विनोद भाई? क्या हुआ? विनोद भाई मैंने आपके बेटे को अभी एक सवाल पूछा, उसको आंसर आ नहीं रहा था, इसलिए आपका मोबाइल यूज करके उसमें आंसर देख रहा था वो। अच्छा है सर, डर गया होगा,
उसे आंसर नहीं आता होगा, शायद इसलिए मोबाइल का सहारा ले रहा है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मोबाइल के सहारे की नहीं, पढ़ाई के सहारे की जरूरत होती है विनोद भाई। हाँ सर, चलो सर से सॉरी बोलो। सॉरी सर। मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम। अरे विनोद भाई, मुझे आपसे बात करनी थी। रोहन की गलती होने के बावजूद भी वो उसकी वकालत कर रहे थे और बस फिर फॉर्मेलिटी के लिए उसे सॉरी बुलवा लिया। तुम उसे सॉरी बोलने का होता का? तुम जरा समझाओ विनोद भाई को। मैं क्या समझाऊं उनको? अगर नहीं समझाओगे ना जेठालाल, तो वो रोहन का साल बिगड़ जाएगा। भाई मैं विनोद भाई को समझाने गया तो मेरा उनके साथ संबंध बिगड़ जाएगा भाई। अरे उनको सिर्फ इतना बोलो जेठालाल कि रोहन की पढ़ाई पे जरा ध्यान दे। नहीं, वो मैं उनको नहीं बोल सकता दोस्त। मेरा उनका प्रोफेशनल संबंध है, ऐसा पर्सनल बातें, तो ऐसा पर्सनल बातें मैं उनसे नहीं कर सकता। ठीक है भाई, अभी क्या बोलूं मैं, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाप रे भिड़े भाई, आपके लिए ये सब मैनेज करना कितना मुश्किल होता होगा। नहीं हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है अंजलि भाभी, डिसिप्लिन मेंटेन होता ही नहीं है। तो भिड़े काम करो, एक बार सबको बैठ के ढंग से समझाओ। नहीं इन्होंने ये कोशिश की थी, लेकिन एक बार मेरे से ही गड़बड़ हो गई। सब लोग आ गए कि कोई बाकी है? नहीं सर, सब आ गए। चलो वेरी गुड। अच्छा बच्चों, आज के क्लासेस शुरू हो इससे पहले मुझे तुम लोगों को एक बात बोलनी है। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में डिसिप्लिन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होता है। तो वो मेंटेन हो इसलिए मैंने कुछ रूल्स बनाए, उसकी लिस्ट मैं तुम्हें बाद में फॉरवर्ड कर दूंगा। जैसे कैमरा कब ऑन ऑफ करना है, ऑडियो कब ऑन ऑफ करना है, ऑनलाइन होमवर्क कैसे सबमिट करना है और कब सबमिट करना है। आओ, ये जरा डिब्बा खोल के दीजिए ना। हाय, डिब्बा खोल के दीजिए ना। माधवी, मतलब क्लास चालू है बाद में। हाँ तो आपके क्लासेस तो डेढ़ घंटे तक चलेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी खोल के दीजिए ना। सर सर सर, वो आपका माइक चालू है। सर माइक बंद कीजिए। कल्ला आ गाऊ। माधवी, यहाँ पे मैं बच्चों को डिसिप्लिन का पाठ पढ़ा रहा था और तुम चालू क्लास में डिब्बा लेके आ गई। सॉरी, एक्चुअली मैंने कोशिश की लेकिन मेरे से खुल ही नहीं रहा है, और रसोई में बहुत काम है, उसके बाद मुझे आचार पापड़ का ऑर्डर भी तैयार करना है, थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज खोल के दीजिए ना। अच्छा ठीक है, दो। अरे माधवी बहुत टाइट हो गया है। हाँ तेज तो खुल ही नहीं रहा है। सर सर, उस पे ना गरम पानी डालिए, खुल जाएगा। खुल नहीं रहा माधवी। ठीक है, ये आपकी वजह से। मेरी वजह से? वो क्या है, मैं मना कर रही थी आपको, लेकिन फिर भी आपने डबल पेपर लगा के उसको घट बंद किया है। Come on sir, you can do it sir, come on sir. उगड़ रहे, उगड़ पापा, उगड़। ये गिर गया आपके ऊपर, एक मिनट। अरे अरे राहुल दे, माधवी राहुल दे। यहाँ पे मैं बच्चों को डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ और मेरे घर में ही डिसिप्लिन नहीं है। चालू क्लास में डिब्बा लेके आ गई। सॉरी। अरे सर, आप तो आत्माराम सर में से आताराम सर हो गए। मैंने ऑडियो म्यूट किया है, तुम लोगों ने नहीं, मुझे सुनाई दे रहा है क्या बोल रहे हो तुम लोग? आस्था बंद करो। मैंने जो कल चैप्टर सीखा था उसकी रिवीजन करो, मैं कुर्ता चेंज करके आता हूँ। आओ जल्दी आओ। कौन बोला? कौन बोला ये? कौन बोला? मुझे अभी के अभी जानना है, नहीं तो मैं क्लास बंद कर दूंगा अभी। सर हेत बोला। नहीं सर, मैंने नहीं, सर ईशान ने बोला है। हेत मैंने नहीं बोला है। हाँ ईशान ने बोला है। नहीं सर मैंने नहीं बोला, मुझ पे क्यों नाम डाल रही है तू? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम लोग नहीं सुधरोगे, मैं अभी क्लास बंद कर रहा हूँ। नहीं सॉरी वॉरी कुछ नहीं, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अब शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए माधवी, मेरा ऑनलाइन क्लास चालू ही हुआ था कि तुम ये डिब्बा लेकर आ गई। तुम्हारी वजह से कितना टाइम वेस्ट हो गया मेरा, और तुम ये अहो अहो बोलना बंद करो। अहो सॉरी, मतलब अहो फिर से एक बार सॉरी। हाँ दाऊद आता काय बोलना, सोचा था बच्चों को डिसिप्लिन के बारे में समझाऊं, लेकिन कुछ भलता ही हो गया। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है ना, मेरा टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। मतलब एक गलत नहीं है कि बच्चों को हो क्या गया, इतने लापरवाह कैसे हो गए? भिड़े भाई, मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से जो परिस्थिति निर्माण हुई है,
जैसे सारा दिन घर पे रहना, फ्रेंड्स को ना मिल पाना, उन हालातों ने ना बच्चों को भी उलझा दिया। ते बरोबर है अंजलि भाभी, लेकिन अभी तो एग्जाम नजदीक आ रही है ना, अभी तो समझना चाहिए बच्चों को। लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी है तो क्या करें, बच्चे भी बड़े। मैं खुद का उदाहरण बताता हूँ, ये जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, ऐसे ऐसे किस्से हुए कि क्या बताऊं तुम्हें, किस दिन फुर्सत से सबको सुनाऊंगा। नहीं नहीं सुनाना मेहता साहब, जरूर सुनाना। क्या दो समदुखी आपस में एक दूसरे की दुख की बातें सुनाते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद तो ना मन हल्के हो जाते। बिल्कुल, लेकिन एक बात कहूंगा बड़े भाई, मैं जब वर्क फ्रॉम होम कर रहा था तो मुझे लग रहा था कितनी परेशानी है, कितने प्रॉब्लम्स है, लेकिन आज भिड़े जब तुमने तुम्हारे सारे किस्से सुनाए तो भाई मैं सचमुच बता रहा हूँ, स्वीकार करता हूँ, हमारी परेशानी तुम्हारी परेशानी के आगे कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, ये ऑनलाइन ने तो हमारी तुम्हारी क्या सबको बहुत परेशान किया। अच्छा, मैं अपनी बात करूँ तो हमारे जैसे व्यापारियों को पहले ये ऑनलाइन शॉपिंग की परेशानी तो थी। अब ये लॉकडाउन में क्या हुआ, सब घर पे थे तो सबको आदत लग गई घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करने, तो अभी तो और ज्यादा अभी तकलीफ हो गई है। लेकिन जेठाली, क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग ये सब बदलते वक्त और बदलते समाज की निशानी है, इसे अपनाना होगा भाई। बिल्कुल सही कह रहे तारक, अब बच्चे तो ऐसे ही शरारत करते रहेंगे, पर आप ही को उसका कोई हल निकालना होगा। अरे भाई भिड़े, ऑनलाइन क्लासेस के फायदे भी हैं तो नुकसान भी होंगे, धीरज रखो, लगे रहो, सब ठीक हो जाएगा। मेहता साहब, सच कहूं तो मैंने मेरी जीवन शैली में ऑनलाइन क्लासेस को अपना लिया, बस मुझे मेरे स्टूडेंट्स का साथ मिल जाए। देखो भिड़े, सबसे पहले तो ये टेंशन दूर करो, मन शांत करो, शांत दिमाग से सोचोगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल, भगवान से भी प्रार्थना है कि वो बच्चों को सद्बुद्धि दे ताकि वो पढ़ाई करे और अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। अहो चले, अभी आपके ऑनलाइन क्लासेस भी है ना कल। हाँ हाँ बिल्कुल, चलते चलते। चलो बच्चा, अंजलि भाभी, मेहता साहब, जेठालाल, थैंक यू वेरी मच, सच में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मन का बोझ हल्का हो गया। अरे मोस्ट वेलकम, एनी टाइम भिड़े भाई। अब मैं कल से नई ऊर्जा के साथ बच्चों को पढ़ाऊंगा। बस शाबाश, चलो गुड नाइट। ऑल द बेस्ट। ओके गुड नाइट, शुभ रात्रि। यस गुड नाइट, गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। मेहता साहब, ये भिड़े ने भले बोला कि कल से मैं नई ऊर्जा के साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन वो नहीं पढ़ा पाएगा क्योंकि उसका स्वभाव चिंता वाला है ना। ये आत्माराम नहीं, चिंताराम है। चिंता करता है क्योंकि वो सिर्फ अर्थोपार्जन के लिए नहीं पढ़ाता है ना। अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन, अर्थ का उपार्जन, अर्थ का उपार्जन। अच्छा जेठा भाई, अर्थोपार्जन यानी कमाई, मतलब भिड़े भाई सिर्फ पैसों के लिए नहीं पढ़ाते। भिड़े बहुत परिश्रमी शिक्षक है और उसकी सदैव यही चिंता रहती है कि उसका विद्यार्थी अच्छे से अच्छे नंबर लाए, पास हो, मेहनत करे। मुझे गर्व है भिड़े पे। घर तो मुझे भी है, बहुत ही ईमानदार ऐसे शिक्षक आज के जमाने में बहुत कम देखने को मिलते हैं। मिलते ही नहीं, मिलते ही नहीं। चलो इसी बात पे फिर, चलो मिलते हैं। चलता हूँ। मजा आ गया है। हाँ आज मजा है, मजा है। गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू। ओके मेहता साहब, ओके ओके ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। ऑनलाइन क्लासेस, भिड़े की परेशानियां। मित्रों, यदि आप शिक्षक है तो आप खुद इस चीज से रिलेट करेंगे कि इन दिनों कितनी परेशानी हो रही है, और यदि आप स्टूडेंट हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि कहीं जाने अनजाने आप भी अपने शिक्षकों को ऐसी तकलीफ या परेशानी तो नहीं पहुंचा रहे। खैर, भिड़े ने अपने दुख दर्द बांटे, भिड़े ने बताया कि कितनी परेशानी, और हमने बेहद सकारात्मक ढंग से भिड़े को ये समझाने की कोशिश की कि जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन ये समय का परिवर्तन है और अंततः सब ठीक हो जाएगा। भिड़े नई ऊर्जा के साथ यहाँ से निकला तो है, लेकिन देखने वाली बात ये, क्या वो इस ऊर्जा का प्रयोग करेगा, क्या सब कुछ सकारात्मक होगा, क्या परेशानियाँ खत्म हो जाएगी, या फिर ऑनलाइन क्लासेस में कोई नई परेशानी फिर से उभरेगी। ये तो आप जानते हैं कि परेशानी चाहे जितनी उभरे इस गोकुलधाम सोसाइटी में, आपके घरों में सिर्फ एक चीज़ होती है और वो होते हैं ठहाके। तो बस तैयार हो जाइए ठहाके लगाने के लिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।